प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में प्रस्तावक रहे वीरभद्र साहनी का गुरुवार शाम हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। वीरभद्र साहनी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार प्रस्तावकों में से एक थे। वाराणसी के शिवाला घाट स्थित अपने आवास पर दिल की धड़कनें रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार देर रात हरीशचंद्र घाट पर किया गया। परिजनों ने बताया कि बीते दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 95 वर्ष थी। अंतिम संस्कार के मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। 2014 के चुनाव में पंडित छन्नूलाल मिश्र, मदन मोहन मालवीय के पौत्र गिरधर मालवीय और एक बुनकर के साथ वीरभद्र साहनी भी प्रस्तावक के तौर पर थे। अपने पीछे परिवार में 6 पुत्री और 2 पुत्र वो छोड़कर गए हैं। साल 2017 के नगर निगम चुनावों में वीरभद्र साहनी का नाम मतदाता सूची में नहीं था। इस मामले को लेकर बहुत हंगामा मचा। पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय के प्रभारी शिवशरण पाठक समेत कई भाजपा नेता उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।